हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता। सो आई वेलकम यू ऑल टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ एमसीक्यू टाइप टेस्ट सीरीज ऑफ क्लास 11th। तो आज का टॉपिक क्या है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं बच्चों, आज बेसिकली हम एनसीईआरटी के चैप्टर 15 के ऊपर एक एमसीक्यू टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 15 यानी स्टैटिक्स, ठीक है। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, दिस विल बी टेस्ट नंबर 10 ऑफ दिस सीरीज। यानी अभी तक हमने टेस्ट नंबर 1 से लेकर टेस्ट 9 तक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उन टेस्ट को भी अभी तक अटेम्प्ट नहीं किया है या उन टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन को नहीं देखा है, देन डोंट वरी, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अगर आप चेक करेंगे, आपको हर टेस्ट के वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। उन वीडियो के लिंक पे क्लिक करते ही आपको वीडियो तो ओपन होते हुए दिखेंगी, लेकिन उन वीडियोज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो गूगल फॉर्म लिंक भी मिल जाएगा। जैसे टेस्ट 10 के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेस्ट 10 का गूगल फॉर्म लिंक मिलेगा, आप लिंक पर क्लिक करके पहले गूगल फॉर्म टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हैं, ठीक है। वन बाय वन हर टेस्ट आप अटेम्प्ट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा और इससे प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं। तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों। अब फाइनली चलते हैं मैथ वाले क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं बच्चों, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन स्टैटिक्स फॉर क्लास 11th। यहां पर क्वेश्चन 1 में क्या बोला गया है, चलिए पढ़ते हैं। द मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इन द मैथ यूनिट टेस्ट ऑफ मैक्सिमम 40 मार्क्स आर गिवन एज फॉलोज। यानी किसी क्लास के बच्चों के ना मार्क्स आपको यहां पर बता दिए गए हैं। तो आपसे पूछा क्या है, द रेंज ऑफ द अबो डाटा इज, इस डाटा का रेंज क्या होगा। देखो, रेंज निकालते कैसे हैं, कोई भी डाटा अगर आपको दे रखा है तो उस डाटा में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, यानी सबसे बड़ी यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ठीक है। इसमें से माइनस कर देते हैं सबसे छोटी वैल्यू यानी लीस्ट वैल्यू, मिनिमम वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो अपने डाटा को एक बार देखिए ध्यान से, और सबसे बड़ा क्या है, सबसे छोटा क्या है, एक बार पता करो ताकि हमें रेंज मिल जाए। तो यहां पर सबसे बड़ी वैल्यू, जैसा कि मैं देख रहा हूं, वैसे तो 40 मार्क्स का पेपर है, यानी यहां पर 40 होता तो अच्छी बात है, बट 40 नहीं है, 39 है। यानी मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली बच्चों, 39। अब मिनिमम को भी देख लो, मिनिमम यहां पर एक तो 3 दिख रहा है मुझे और कोई नहीं है, यानी मिनिमम आपका 3 हो जाएगा। 39 माइनस 3 यानी 36, 36 यानी ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन 1 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 2 आपके सामने आ गया बच्चों, इसमें क्या बोला हुआ है, कंसीडर द डाटा, डाटा आपके सामने है, इफ द मीन ऑफ द डाटा इज गिवन एज 9। डाटा का मीन आपको दे दिया है बच्चों, ये रहा मीन, ठीक है। मीन मतलब बार एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है, तो आपसे ना इसकी वैल्यू पूछी गई है। और यहां पर डीआई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, तो एक्स आई माइनस बार एक्स का मॉड है, मतलब डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, आप लोग ऑलरेडी यहां पर मीन को जानते हो, मीन आप लिख चुके हो, ठीक है। सारी ऑब्जर्वेशंस को हम लोग नॉर्मली एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर अगर मैं डेविएशन निकालने जाऊंगा ना, तो डेविएशन का यहां पर इन्होंने फॉर्मूला दे तो रखा है, एक्स आई माइनस मीन पूरे का मॉडुलस, यानी 6 माइनस 9 यानी माइनस 3 का मॉडुलस यानी 3 आ जाएगा। ऐसे ही 7 माइनस 9 यानी माइनस 2 का मॉडुलस यानी 2 आएगा। 10 माइनस 9 यानी यहां पर 1 आएगा। 12 माइनस 9 3 आएगा। 13 माइनस 9 यानी 4 आएगा। 4 माइनस 9 माइनस 5 का मॉडुलस। 8 माइनस 9 माइनस 1 का मॉडुलस। 12 माइनस 9 यानी ये देखो इस तरीके से मिल जाएगा। आपको इन सभी डेविएशंस को ऐड करना है। चलो काम शुरू करते हैं। 3 प्लस 2 यानी 5 प्लस 1 6 प्लस 4 10 प्लस 3 13 प्लस 5 18 प्लस 1 19 प्लस 3 यानी 22। अब 22 का मतलब ऑप्शन ए आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया बच्चों, बात समझ आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में क्या बोला हुआ है, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस अबाउट मीडियन फॉर द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। देखो इसका मतलब क्या हुआ,
फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स का पहले तो हम मीडियन निकालेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे फिर से, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स यानी एक्स आई अगर आप यहां लिखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो इनका मीडियन क्या आ गया बच्चों, देखो यहां पर मैंने पहले ही ऑर्डर में लगाया हुआ है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डाटा को लगाने के बाद जो मिडिल वैल्यू होती है ना, देखो यहां पर मिडिल वैल्यू क्या है तो 3 है, तो मिडिल वैल्यू हमें क्या प्रोवाइड कर देता है बच्चों, तो मीडियन प्रोवाइड कर देता है। मीडियन तो हमको मिल गया, हमें निकालना है सम ऑफ ऑल द डेविएशंस, सम ऑफ ऑल द डेविएशंस अबाउट मीडियन, ठीक है। तो चलिए यहां पर डीआई फाइंड करेंगे, तो डीआई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस मीडियन का, देखो इस तरीके से मॉडुलस ले लेंगे। तो चलो जी काम शुरू करते हैं जरा, तो यहां पर डीआई कैसे मिलेगा बच्चों, 1 माइनस 3 है ना, पहला ऑब्जर्वेशन माइनस मीडियन, 1 माइनस 3 यानी -2 का मॉडुलस यानी 2 रहेगा, 2 माइनस 3 है ना मॉडुलस ले रहे हो तो -1 आएगा लेकिन मॉडुलस की वजह से +1 हो जाएगा, 3 माइनस 3 यानी 0, 4 माइनस 3 यानी 1, 5 माइनस 3 यानी 2। इन सभी को अगर मैं ऐड कर दूं, क्योंकि इसने सम फाइंड करने के लिए ही बोला है, तो समेशन डीआई क्या आएगा, 2 + 1 = 3 + 0 यानी 3 + 1 = 4 + 2 यानी 6। 6 का मतलब ये हुआ ऑप्शन डी, आप चेक करिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन 4 ये रहा जी, क्वेश्चन 4 में क्या करना है पढ़िए ध्यान से। इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, किसी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 80 हैं, यहां पर आपको दिख रहा है, और इसकी वैल्यू भी दे रखी है, समेशन ऑफ एफ आई इंटू डेविएशन है बेटा, ये ध्यान से देखिए ये क्या है, डेविएशन डी आई है बच्चों ये, ठीक है। देन द मीन डेविएशन अबाउट द मीन विल बी, देखो मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एफ आई इंटू डेविएशंस। अब यहां पर डेविएशन की जगह पे इन्होंने हमें ये वैल्यू दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन समेशन एफ आई यानी एन, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या मिला, 592 ऊपर वाले की वैल्यू और नीचे क्या है बच्चों, तो 80। तो सबसे पहले यहां पर 1/10 अलग कर लो ताकि 592 को मैं 8 से डिवाइड कर पाऊं, बात समझ आ रही है सभी को। चलिए काम शुरू करते हैं, यहां पर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, 8 × 7 = 56 समझे, यानी यहां पर 32 बनेगा, 8 × 4 = 32 यानी ये हो गया 74/10, दैट मींस 7.4 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 7.4 यानी पहले ऑप्शन को चेक करिए, क्वेश्चन 4 का ऑप्शन ए सही हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़े क्वेश्चन 5 में चलते हैं, ये रहा क्वेश्चन 5 आपके सामने, इसमें क्या करना है पढ़िए क्या बोल रहा है, द मीन ऑफ फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स, अब पहले 5 प्राइम नंबर्स लिखो है ना, उसके बाद उनका मीन फाइंड करेंगे। पहला प्राइम नंबर यानी 2, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होते हैं, है ना। चलिए काम शुरू करते हैं, तो पहला प्राइम नंबर 2 है, फिर इसके बाद 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 11 आएगा, ठीक है बच्चों। ये आपके पहले 5 प्राइम नंबर्स हो गए, इन सभी को मैं ऐड करूंगा क्योंकि मुझे मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यहां नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, अब इसको फाइंड करना बाकी रह गया, यानी समेशन एक्स आई को फाइंड करना है। चलिए काम शुरू करते हैं, 2 + 3 = 5 + 5 यानी 10 + 7 कितना हुआ, 17 + 11 कितना हुआ, 28, ठीक है, 28/5। चलो जी काम शुरू करते हैं, तो 5.6 विल बी द आंसर ऑफ द मीन फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन डी एक बार चेक करिए, क्वेश्चन 5 का ऑप्शन डी सही हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ये रहा क्वेश्चन 6 आपके सामने आ चुका है, यहां पर क्या बोला हुआ है, इन अ डिस्ट्रीब्यूशन इफ द वेरियंस इज 36, ठीक है, किसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरियंस आपको दे दिया है, वेरियंस को हम देखो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, इसका वेरियंस आपको दे दिया है, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपसे पूछा गया है। देखो भैया ध्यान से सुनना, ये तो वेरियंस हुआ ना, ये तो वेरियंस हुआ, तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, देखो यहां पर आपके पास ऑब्जर्वेशन तो है नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि वट इज द रिलेशन बिटवीन वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस ये होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है, मतलब हम निकालेंगे कैसे,
अंडर रूट ऑफ वेरियंस ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा, मतलब अंडर रूट ऑफ 36 यानी 6 यानी ऑप्शन डी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन 6 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 7, जैसा कि आप देख रहे हैं क्या बोला गया है, चलिए पढ़ते हैं समझते हैं। द वेरियंस ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 9126। चलिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहा और इनका वेरियंस आपको दे दिया है कितना है, तो 6 है। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3, देखो यहां पर आप पढ़ के देखिए, ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 3, देन द वेरियंस ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन विल बी। भाई सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से बच्चों, यहां पर करेंगे कैसे, देखो अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस गिवन है, ठीक है ना, आपने क्या किया उनका मीन फाइंड किया, आपने क्या किया उनका वेरिएंस फाइंड किया। ठीक है, अब आप क्या कह रहे हो, आप एक नया ऑब्जर्वेशन देख रहे हो जो कि पुराने ऑब्जर्वेशन की हेल्प से बन रहा है। कैसे, हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई भी कॉन्स्टेंट एड या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो ना कि इंक्रीज्ड बाय 3 यानी एड कर रहे हो। मान लो अगर डिक्रीज बोला होता तो ठीक है ना, तो माइनस कर रहे होते, कोई बात नहीं है। तो इस केस में क्या होता है, जो नया मीन हो जाएगा ना, अगर इसको मैं बार वाई से रिप्रेजेंट करूं तो पुराने वाले मीन में आपको यही कांस्टेंट ऐड कर देना होगा या सब्ट्रैक्ट किया होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह होती है कि जो नया वेरियंस होगा ना, जो नया वेरियंस होगा वो वही रहेगा जो पहले था, है ना, यानी यही सेम एज इट इज आ जाएगा, नो चेंज, नो चेंज इन द वेरियंस। बात समझ आ रही है सभी को? ठीक है, तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन में ना वेरियंस क्या दे रखा है, 6, है ना। आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ ऐड किया या कुछ सब्ट्रैक्ट किया, मतलब इंक्रीज किया या डिक्रीज किया, तो वेरियंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब आप यहां पर ऑप्शन सी में चेक कर सकते हैं, ऑप्शन सी में आपको 6 ही लिखा हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब आगे बढ़े बच्चों, इस बात को याद रखना, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे इस कंसेप्ट के ऊपर जो मैंने सिखाया कि हर एक ऑब्जर्वेशन में अगर आप कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो मीन पे फर्क पड़ेगा, लेकिन वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मीन पे क्या फर्क पड़ेगा कि पुराने वाले मीन में वही चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो जो कि आपने हर ऑब्जर्वेशन में ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हो। ठीक है, अब फाइनली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 8, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर क्या बोला हुआ है, द वेरियंस ऑफ 12 ऑब्जर्वेशन इज 9129। देखो वेरियंस आपको यहां पर भी दे दिया है, वेरियंस कितना है तो 49 है। ठीक है, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 15, हर ऑब्जर्वेशन में आपने 15 का इंक्रीमेंट कर दिया, हर एक ऑब्जर्वेशन में 15 का इंक्रीमेंट कर दिया, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन विल बी। रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है, यहां वेरिएंस नहीं पूछा है। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। क्या होगा कि पिछला क्वेश्चन तो मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अब देखो मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम हर एक ऑब्जर्वेशन में कोई भी चीज ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्टिंग सीक्वेंस का वेरिएंस बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगा। जब वेरिएंस ही सेम रहेगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी पक्का सेम रहेगा। मेरा मतलब यह है कि अगर आप ओरिजिनल ऑब्जर्वेशंस का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे यानी सिग्मा निकालेंगे यानी अंडर रूट 49 यानी 7 आएगा, तो अब जो नया ऑब्जर्वेशन होगा यानी यहां मान लो एक्स आई है, यहां मान लो वाई आई है, जो कि कैसे मिल रहा है, एक्स आई में 15 इंक्रीज करने पे मिल रहा है, तो यहां पर जो आपका वेरिएंस होने वाला है ना, न्यू वेरिएंस, वो वही रहने वाला है जो पहले था, मतलब 49 ही। तो यहां पर न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी क्या होगा बच्चों, न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन भी वही रहेगा जो पहले आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, यानी अंडर रूट 49 यानी 7। तो 7 का मतलब ये हुआ ऑप्शन ए आप चेक कर सकते हो, क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा क्वेश्चन 9 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट फॉर्मूला, करेक्ट फॉर्मूला बताना है टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डेविएशन। देखो ध्यान से, ये वाला जो फॉर्मूला है ये तो वेरिएंस का है, इसी का अंडर रूट अगर ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कहने का मतलब ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन देखा समझा और ऑप्शन को एनालाइज करके टिक कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन 10 ये रहा आपके सामने, इसमें क्या है, देखो गिवन दैट बार एक्स इज द मीन एंड सिग्मा स्क्वायर इज द वेरिएंस ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, अच्छी बात है,
ये आपको मीन दे रखा है और ये आपको वेरियंस दे रखा है, और ये रही आपके ऑब्जर्वेशन, टोटल एन ऑब्जर्वेशन है। देन द वेरियंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, देखो नया ऑब्जर्वेशन इस तरीके से आपको दे रहा है, इसका वेरियंस क्या होगा आपको ये बताना है। अगर आप ध्यान से एनालाइज करें, ये आपकी गिवन ऑब्जर्वेशन है बच्चों, ठीक है। हर एक ऑब्जर्वेशन को किसी कॉन्स्टेंट ए से मल्टीप्लाई किया गया है, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और जिससे मल्टीप्लाई किया है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहां पर भी एक कंसेप्ट सुन लो ध्यान से, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस में इसको भी हम यूज करेंगे। देखो कंसेप्ट क्या होता है, अगर आपके पास एक्स आई ऐसे ऑब्जर्वेशंस गिवन है, आपने मीन निकाला, आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस फाइंड किया, समझे, ये आपका वेरियंस है और ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है। अब क्या हो रहा है, एक नया सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल रहा है जो कि पुराने ऑब्जर्वेशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने के बाद मिल रहा है, यानी ऐसे मिल रहा है ये मान लो, ठीक है। तो इस केस में जो नया वाला मीन होगा वो क्या होगा, के इंटू पुराना मीन, समझे। नया वाला स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, के इंटू पुराना स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरियंस में क्या होगा, वेरियंस में होगा के स्क्वायर इंटू पुराने वाला वेरियंस, समझे। तो ये बात याद रखना कि यहां पर के स्क्वायर इंटू पुराना वेरियंस हो जाता है, मीन में एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा वो कांस्टेंट पुराने वाले मीन में, और स्टैंडर्ड डेविएशन में भी एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा पुराने वाले स्टैंडर्ड डेविएशन में। बात समझ आ रही है। अब हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि आपका जो पुराने वाला वेरियंस है, ओल्ड वेरियंस, वो क्या दे रखा है बच्चों, वो तो दे रखा है सिग्मा स्क्वायर। आप यहां पर देख सकते हैं, देखो ये रहा, ठीक है। हर ऑब्जर्वेशन को यहां पर ए से मल्टीप्लाई किया गया है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, देखो इस वाले में, बात समझ आ रही है। यहां देख लो एक बार, हर एक ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई किया है, तो यहां पर ये आपसे न्यू वेरिएंस पूछना चाहता है। तो मैंने क्या बताया, जिस भी कांस्टेंट से आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है उस कांस्टेंट का स्क्वायर इनटू पुराने वाला वेरिएंस कर दो, बस ये आपका नया वेरिएंस आ चुका होगा। अब ये चीज अगर आप यहां पर देखेंगे ध्यान से, तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा होगा। कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा बच्चों। अब सुनना ध्यान से एक बात और, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, ये एनसीईआरटी का ना एग्जाम्पल है, इसके रिजल्ट को आप अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन में आपकी हेल्प होगी, एमसीक्यूज में तो हेल्प होगी ही, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पे, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन 11 आपके सामने, यहां पर क्या बोला हुआ है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस आर गिवन। चलिए यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं, यहां पर मीन दे रखा है 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 4, ठीक है बच्चों। इसके बाद आगे क्या बोला गया है बच्चों, इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय 3, हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने क्या किया, हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने 3 से मल्टीप्लाई करके नया ऑब्जर्वेशन बना लिया। देन द सम ऑफ न्यू मीन, सम ऑफ न्यू मीन एंड न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन, आपको यह पता करना है। ध्यान से सुनना, न्यू मीन क्या आएगा बच्चों, न्यू मीन क्या आएगा, तो न्यू मीन आएगा जो पुराने वाला मीन है ना, उससे इस कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 8 क्या बना बच्चों, 24। जिस कांस्टेंट से आपने हर एक ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया है उसी कांस्टेंट से पुराने मीन को मल्टीप्लाई कर दो, नया मीन मिल चुका है। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूं कि न्यू स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आएगा, सेम कहानी, यानी कांस्टेंट इनटू पुराने वाला स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी 3 × 4 यानी 12 आएगा। हमें इन दोनों को ऐड करना है, यानी इनका सम निकालना है, तो सम क्या बनेगा, 24 + 12 यानी 36 यानी ऑप्शन ए। एक बार आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन 12 आपके सामने, यहां पर क्या है बच्चों, पढ़िए ध्यान से, द मीन ऑफ 6 ऑब्जर्वेशंस इज 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है बच्चों, तो 6 है और यहां पर इनका मीन दे रखा है यानी 8। If each observation is increased by 2, हर एक ऑब्जर्वेशन को आपने 2 से इंक्रीज कर दिया, यानी ओरिजिनल ऑब्जर्वेशन अगर ये है तो नया वाला ऑब्जर्वेशन कैसे मिल रहा है बच्चों, पुराने वाले ऑब्जर्वेशन में प्लस 2 करने से, ठीक है। देन द न्यू मीन ऑफ द रिजल्टिंग ऑब्जर्वेशन विल बी, देखो नया वाला मीन क्या होगा, नया वाला मीन क्या होगा कि पुराने वाले मीन में आपको यही कॉन्स्टेंट एड या सब्ट्रैक्ट कर देना होगा, यानी पुराना मीन प्लस ये कांस्टेंट जो आपने हर एक ऑब्जर्वेशन में ऐड किया होगा, मतलब समझे, 8 + 2 यानी 10,
10 यानी ऑप्शन डी आप देखो, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13, जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों। अब इसमें क्या करना है पढ़िए ध्यान से, देखते हैं जरा यहां करना क्या है। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। चलो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे दी है 5, यहां पर मीन दे दिया है 4.4, और इनका वेरिएंस भी दे रखा है ध्यान से देख लो 8.24। ठीक है, इफ सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन एज 1, 2, 4 एंड 6, यानी कुछ ऑब्जर्वेशंस तो आपको इन्होंने दे दी हैं, यानी एक्स आई की वैल्यू दे रखी है क्या है, तो 1, 2, 4 एंड 6, देन द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन विल बी, यानी जो बचा हुआ ऑब्जर्वेशन है आपको वो पता करना है। ध्यान से सुनना हम कैसे करेंगे। देखो अगर मीन में आपको निकालने के लिए बोलूं तो आप निकालोगे कैसे, समेशन एक्स आई अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नाउ दैट इज इक्वल टू मीन, समझे कि नहीं। तो यहां पर इन सभी को ऐड कर दो और जो बचा हुआ ऑब्जर्वेशन है यानी रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन, पांचवा ऑब्जर्वेशन, चार ऑब्जर्वेशन यहां दिख रही है, पांचवा नहीं दिख रहा, चलिए समेशन एक्स आई करो, यानी 1 + 2 + 4 + 6 + फिफ्थ ऑब्जर्वेशन को अगर फिलहाल मैं यहां पर क्या मानू, एम मान लेता हूं, चलिए ठीक है। तो क्या बनेगा, 6 + 4 = 10, 2, 12 और 1 = 13, यानी 13 + m, ठीक है, ये तो समेशन एक्स आई आ गया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये रहा, और यहां पर मीन क्या है तो 4.4। चलिए बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई शुरू कर दो, 13 + m इक्वल टू क्या बनेगा, 5 × 4.4, यानी ये बनेगा आपका यहां पर 0 carry 2, यानी 22 आ जाएगा, 22.0, यानी यहां से m will be equal to 22 - 13, इसका मतलब यहां पर जो ऑब्जर्वेशन बच गया था ना उसकी वैल्यू 9 आ गई। 9 का मतलब एक बार ऑप्शन बी आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बस बच्चों आज का टेस्ट यानी टेस्ट नंबर 10 हम लोगों ने आपके लिए डिस्कस कर लिया है, सारे क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन। इससे पहले के टेस्ट भी अगर आप लोग देना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कर सकते हैं, आपको हर एक टेस्ट का वीडियो का लिंक मिल जाएगा। उन लिंक पे क्लिक करते ही जैसे ही वो वीडियो ओपन होंगी उनका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करोगे ना, तो हर टेस्ट के साथ उसका गूगल फॉर्म लिंक मैंने अटैच किया हुआ है। पहले आप टेस्ट दे सकते हैं, उसके बाद अपने सॉल्यूशंस को वेरीफाई कर सकते हैं, अपने सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में, यानी फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज यानी प्लेजर टेस्ट सीरीज फॉर क्लास 11th। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम आज का सेशन वाइंड अप करेंगे, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।